हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं जा रहे हूँ कोची पोर्ट में, और कोची पोर्ट के बारे में आज हम लोग जानेंगे और देखेंगे, और कहाँ पे रहना है, कैसे आना है, सब फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो में। तो प्लीज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जो कोची पोर्ट है, कोची पोर्ट के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। और ये जो कोची पोर्ट है, बहुत ही खूबसूरत एक पोर्ट है, जहाँ पे आके आप लोग बोर्डिंग का बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बड़ा बड़ा शिप भी इधर रहता है। तो जो कोची पोर्ट है, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट इंडिया का है। तो यहाँ पर अगर आप लोग घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप लोग इधर आके कोची में, जो कोची पोर्ट है, इसमें आके बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कोची पोर्ट के बारे में, इसके बाद बोलते हैं आप लोगों को कैसे आना है और कैसे कहाँ पे है जाना है, और बोर्डिंग कितना रुपीस से कितना रुपीस तक मिलता है। कोची पोर्ट जो ओपन हुआ था लगभग 1928 में, और ये जो कोची पोर्ट है वो एक माइजोर पोर्ट है अरेबियन सी, लक्षद्वीप सी और इंडियन ओशन का। और ये जो कोची पोर्ट है, उसका एनुअल कार्गो टोनेज है लगभग 35 मिलियन, और एनुअल कंटेनर वॉल्यूम है लगभग 7,36,000 जैसा, और एनुअल रिवेन्यू भी है लगभग 7,300 मिलियन जैसा। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये जो पोर्ट है वो कैसा होगा और कितना बड़ा होगा और कितना खूबसूरत एक पोर्ट होगा ये। तो अगर आप लोग केरला विज़िट करने के लिए आ रहे हैं या फिर कभी भी केरला आ रहे हैं, तो आप लोग कोची पोर्ट को ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि आप लोग इंडिया के अंदर है, क्योंकि ये पोर्ट है इतना खूबसूरत है और इतना यूनिक है। आप लोग आने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा। अगर आप लोग कोची आ रहे हैं तो आप लोग चाहे तो फ्लाइट से भी कोची आ सकते हैं, अगर चाहे तो आप लोग रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हैं कोची में। बट जो कोची पोर्ट है, कोची पोर्ट से लगभग 25 किलोमीटर दूरी में है जो कोची का एयरपोर्ट है, और जो कोची का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन, जो लगभग 7 किलोमीटर जैसा डिस्टेंस की दूरी में है। इसके बाद आप लोग चाहे तो रेलवे स्टेशन से या फिर कोची एयरपोर्ट से आप लोग ऑटो भी अवेलेबल है, बस भी अवेलेबल है। तो आप लोग चाहे बस से भी आ सकते हैं, चाहे आप लोग ऑटो से भी आ सकते हैं। और कोची जो पोर्ट है, उसके नियर में बहुत सारा होटल अवेलेबल है। अगर आप लोग कोची पोर्ट के नियर में रह रहे हैं तो होटल जो है बहुत ही महंगा होता है। तो आप लोग चाहे तो थोड़ा दूरी में रह सकते हैं, बहुत ही चीप में भी होटल मिल जाता है। 500-700 में भी आप लोग का अच्छा वाला होटल मिल जाएगा यहाँ पे। तो चलिए अभी जानते हैं कोची पोर्ट में आने के बाद आप लोगों को कैसे बोर्ड को लेना चाहिए और कैसे जाना चाहिए और क्या क्या फैसिलिटी मिलता है बोर्ड के अंदर। कोची पोर्ट में आने के बाद आप लोगों को प्राइवेट बोर्ड भी बहुत सारा मिल जाएगा, और बहुत सारा अवेलेबल है प्राइवेट बोर्ड, और गवर्नमेंट का भी बोर्ड इधर अवेलेबल है। बट आप लोग अगर मॉर्निंग आ रहे हैं 10 बजे से पहले, तो आप लोगों को प्राइवेट बोर्ड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट बोर्ड है वो 10 बजे के बाद ही खुलता है, और जो गवर्नमेंट का टाइमिंग है वो लगभग टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम तक 5 बजे तक ही उसका टाइमिंग रहता है। अगर आप लोग प्राइवेट बोर्ड लेते हैं तो आप लोग पर हेड को 200 या फिर 100 या फिर 150 रुपीज़ जैसा पे करना पड़ता है। अगर आप लोग गवर्नमेंट बोर्ड लेंगे तो आप लोगों को ओनली 50 रुपीज़ ही पे करना पड़ता है। बट आप लोग अगर गवर्नमेंट बोर्ड लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट बोर्ड है उसके लिए बहुत ही लाइन पे खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत ही रश होता है। और जो गवर्नमेंट बोर्ड है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से घुमाता है, और जो आइलैंड वगैरह है उसके पास लेके जाते हैं, आइलैंड में अच्छी तरह से दिखाता है। बट ये जो प्राइवेट बोर्ड है वो आप लोगों को ओनली 1 आवर या 2 आवर के लिए लेके जाएगा, लेके ओनली जो समुंदर है, समुंदर का के जो साइड है, साइड में से घुमा के लेके आ जाएगा। और अगर आप लोगों को
सिंगल बोर्ड लेना है तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। इसके लिए आप लोग 1 आवर के लिए लगभग 1400-1500 रुपया चार्ज करता है, वो भी अच्छा नहीं दिखाता है। अगर आप लोगों को अच्छी तरह से देखना है तो आप लोग जो गवर्नमेंट बोर्ड है उससे ही जाइए, क्योंकि उससे अच्छा होता है। बट जो गवर्नमेंट बोर्ड है उसमें आप लोगों को पर्सनल बोर्ड नहीं मिलता है, वो सबके लिए कॉमन होता है। और अगर आप लोग फुल डे के लिए भी चाहते हैं वो भी मिल जाता है। अगर फुल डे के लिए आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जो उन लोगों को प्राइवेट में रहता है उन लोगों से ही लेना पड़ेगा, और उसके लिए आप लोग उन लोगों से बोल के बात करके ले सकते हैं। और कोची पोर्ट के अंदर आप लोग जाने के बाद आप लोगों को बहुत ही अच्छा फील होगा। और जो कोची पोर्ट है उसके अंदर आप लोग अगर जाएंगे तो उसका जो आइसलैंड वगैरह है वो बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो कोची पोर्ट है जो बहुत ही एक बड़ा पोर्ट है, तो इसके लिए ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट का जो बंदर है इसमें हमेशा कोई ना कोई शिप रहता ही रहता है जो माल को लोडिंग करता है या फिर अनलोडिंग करता है। तो इसके लिए हमेशा आपको जब भी आएंगे आप लोगों को अच्छा वाला या फिर बहुत बड़ा शिप आपको देखने को मिल जाएगा ही मिल जाएगा। और इसके बाद ये जो पोर्ट है, पोर्ट में अगर बोर्ड लेके आप लोग मिडिल में जा रहे हैं और मिडिल से अगर आप लोग साइड में देखेंगे तो इतना खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग है और इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, उसको देखने के बाद आप लोगों को मन में ऐसा सुकून आएगा कि हाँ मेरा इंडिया भी बहुत अच्छा एक पोजीशन में है। इसको देखने के बाद आप लोगों को ऐसा फील आएगा और मन में बहुत ही एक फ्रेशनेस फील आएगा। और ये जो कोची सिटी है, कोची सिटी को भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं इस समंदर का, और ये जो कोची पोर्ट है कोची पोर्ट की तरफ से। और यहाँ पे कभी कभी डॉल्फिन जो है डॉल्फिन भी देखने को मिल जाता है, हर टाइम नहीं मिलता है बट कभी कभी मिल जाता है। मैं जिस टाइम पे गया था उस टाइम पे मेरे को डॉल्फिन भी देखने को मिल गया था उसी टाइम पे। तो आप लोग अगर जा रहे हैं तो कभी कभी मिल जाता है, तो आप लोगों का नसीब अगर अच्छा होगा तो आप लोग भी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर डॉल्फिन भी होता है। और कोची जो पोर्ट है इसमें बहुत सारा लोग एवरीडे आते हैं, तो आप लोग अगर जा रहे हैं कोची पोर्ट के अंदर तो आप लोगों को बहुत सारा शिप देखने को मिल जाएगा, बहुत सारा बोट देखने को आप लोगों को भी मिल जाएगा जो बहुत ही खूबसूरत लगता है दूर से। और ये जो केरला है, केरला में मछली पकड़ने के लिए लोग बहुत ही यूनिक तरीका अपनाता है, तो आप लोग अगर मछली पकड़ना भी देखना है तो भी आप लोग इस बोट के अंदर से या फिर ये जो केरला है, केरला के जो पोर्ट है पोर्ट के अंदर से आप लोग देख सकते हैं इजीली। और जो कोची पोर्ट है, कोची पोर्ट के अंदर कभी कभी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बाढ़ भी रहता है, वो सभी टाइम पे नहीं रहता है, कभी कभी आता है बाढ़। अगर आप लोगों का नसीब अच्छा होगा तो बाढ़ भी देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। मेरा नसीब अच्छा नहीं था तो मेरे को नहीं मिला था बाढ़, बट कभी कभी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बाढ़ भी इधर आते हैं। इसके बाद ये जो कोची पोर्ट है, कोची पोर्ट के साइड में ही बहुत बड़ा एक पार्क भी है, तो आप लोग चाहे तो उस पार्क में बैठ के भी जो कोची का पोर्ट का हवा है वो भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग सोचिए कितना खूबसूरत है कोची पोर्ट। अगर आप लोग कोची पोर्ट को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप लोग कुछ टाइम देख के आने से अच्छा होगा, क्योंकि ये जो केरला है, केरला में बहुत ही बारिश होता है, तो इसलिए आप लोग अगर आएंगे तो आप लोग चाहे तो सितंबर से फरवरी या मार्च महीने तक या फिर अप्रैल महीने तक विज़िट करना ही बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो केरला का वेदर है इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होता है, और ये जो बारिश है वो भी किसी भी वक्त आ जाता है और एवरीडे यहाँ पे बारिश होता ही होता है बारिश के टाइम पे। और अगर आप लोग बारिश के टाइम पे भी आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, क्योंकि बारिश के टाइम पे भी ये जो कोची पोर्ट है उसको बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि जो बादल का रहता है ऊपर में तो उसके लिए ये जो पोर्ट है उसको और भी खूबसूरत लगता है। तो आप लोग चाहे तो किसी वक्त आके इसको विज़िट कर सकते हैं। और ये जो कोची पोर्ट है वो अरबियन सी में पड़ता है, तो इसलिए जो अरब का लोग हैं वो भी बहुत सारा लोग इधर रहता है, तो अगर आप लोग इधर आएंगे तो आप लोगों को बाहर का जो लोग हैं वो भी आप लोगों को इधर देखने के लिए बहुत सारा मिल जाएगा, और आप लोगों को भी बाहर का जैसा थोड़ा फ्रेश फ्रेश फीलनेस इधर आएगा। तो आप लोग चाहे
तो इधर आके एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग अगर कभी केरला का विजिट करने का मन हो या फिर केरला का विजिट करने का आप लोगों का प्लान है, तो आप लोग कोची पोर्ट को भी अपना प्लान में शामिल कीजिए, क्योंकि ये जो कोची पोर्ट है ये बहुत ही खूबसूरत पोर्ट है। अगर आप लोग आके देखेंगे इसके बाद ही पता चलेगा एक पोर्ट जो है वो कितना खूबसूरत है। तो अगर इस कोची पोर्ट के बारे में आप लोगों को कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर इस कोची पोर्ट के बारे में और भी कुछ जानकारी आप लोगों को चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लेके दे दूँगी। और ये जो कोची पोर्ट है उसको देख के आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके एक बार बोलिए, और आप लोगों का इस कोची पोर्ट के बारे में ख्याल कैसा है वो भी एक बार कमेंट करके ज़रूर बोलिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए। और जो मेरा वीडियो पहले से देख रहे हैं उन लोगों को मेरे मन से बहुत 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 शुक्रिया।